नाम समी, सिर्फ समी नहीं, मुझे बाप का नाम नहीं, सरनेम भी नहीं, उपनाम भी नहीं, ऐसा समझो मैं अनाथ हूं। क्या मेरे बारे में ये समझने के बाद आप मुझसे दोस्ती करोगे, जान पहचान बढ़ाओगे, मोहब्बत करोगे? पर अनिका, उसने की मोहब्बत मुझसे, और मैंने भी उससे, दिलो जान से। कितनी अजीब बात है ना, कौन सा भी पास्ट न होना, कौन सा भी पीयर प्रेशर न होना, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा कर्तित्व, तुम जैसे हो वैसे। पर कभी कभी, कभी कभी वही पास तुम्हारी आंखों से झलकता है। वैसे कि उस दिन क्या हुआ, बहुत छोटी सी बात है। मैं कॉलेज जा रहा था और छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए ऑटो वाले से मेरा झगड़ा हुआ, और उसी अनबन में उसने मुझे गाली दी ना, आई डोंट नो व्हाट। मेरे दिमाग में कहीं तो झटका लगा और मैंने उसके तीन दांत टूटने तक उसको मारा। लोग बीच में आए तभी मैं रुका। मतलब ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, सॉरी, आपको जैसे लग रहा है ना वैसा नहीं हूं मैं, पर मेरे अंदर कोई तो है जो मुझे, आई मीन समीर को टेक ओवर कर रहा है। वो कौन है? अब यकीन नहीं करोगे, 24 घंटों में से कुछ घंटे मुझे याद ही नहीं रहते, सब इग्नोर करते हैं, कोई बात ही नहीं करता। पूरा दिन एक ही रूम में बैठ के परेशान हुआ हूं मैं। मुझे ना किसी से बात करनी है, किसी को ना मन में भरा हुआ है ना वो सब शेयर करना है, पर कोई सुनता ही नहीं। अरे कोई सुन तो लो। आपको पता है, मैं जब आंख बंद करता हूं ना तब ऐसा एहसास होता है कि मेरे आसपास कोई तो है, और आंख खोलने के बाद आसपास कोई नहीं रहता। आंख बंद करने के बाद जो अजीब सी परछाइयां दिखती है ना, उसका बहुत डर लगता है मुझे, बहुत डर। वो कौन है? मेरा बाप या मेरी मां या मेरा खून? मुझे एक ही सवाल सता रहा है, वो अजीब सी परछाइयां कौन है?